मैं देवी जी के साथ हैं अभी यहाँ पे ट्राइब्स इंडिया जो महादेव रोड पे है दिल्ली में, जो उनका एग्जीबिशन ग्राउंड और सेल सेंटर है, तो वहाँ पे उन्होंने रूमा देवी जी और मीनाक्षी लेखी जो एमपी हैं दिल्ली से, और रितु बैरी, उनको अभी वो अपना उन्होंने बनाया डिज़ाइन के लिए, दे हैव एनरोब्ड हर। पहले मैरी कॉम जी थी एंड रूमा देवी इज़ फ्रॉम द रूरल इंडिया, राजस्थान से हैं। एंड अभी पिछले कुछ महीने पहले जो ट्राइफेड ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था इंडियन हैबिटेट में, उनका पूरा कलेक्शन वहाँ पे शोकेस हुआ था। एंड इनका इन्हीं से हम सुनना चाहेंगे, जैसे हम लोग ने पहली बार जब इनको देखा था तो आई डिडंट नो दैट शी इज़ अ सेलिब्रिटी एंड शी इज़ अ स्टार, जैसे रितु बैरी ने बोला, तो मैंने ऐसे ही इनसे जाके बस की कहाँ से हैं मैम, आप राजस्थान से हैं, तो इन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया, और जब बाद में थोड़ी देर में मैंने देखा ये तो स्टेज पर जा रही हैं एंड यू नो शी इज़ अ पर्सनैलिटी इन हर ओन राइट। तो वो थोड़ा सा अपना सफ़र बताएंगे आप कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और कहाँ से। जी मेरा नाम रूमा देवी है, ग्रामीण विकास चेतना संस्थान बाड़मेर से हूँ, बाड़मेर राजस्थान से, जो रूरल एरिया है। और मैं जब 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और 8वीं में स्कूल छूट गया। उसके बाद 17 साल की थी तो शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो जब मेरी पहली संतान हुई तो उसको भी मैंने खो दिया, क्योंकि मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे जो मैं हॉस्पिटल में लगा के अच्छे से इलाज करा पाऊँ। लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, करें तो क्या करें, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो कोई जॉब भी नहीं मिला, तो और वहाँ पे ऐसा है कि घर से बाहर निकल के महिला कोई काम करे ये भी पॉसिबल नहीं था आज से 11 साल पहले। अभी तो काफ़ी सारे परिवर्तन हो गया है, लेकिन उस टाइम अकेली महिला घर से बाहर निकल के काम करना संभव नहीं था। तो मैंने सोचा कि घर में ही बैठ के जो दादी से कसीदाकारी का काम सीखा है इसी से कुछ बनाती है, कोई मार्केटिंग का वगैरह पता नहीं था। तो मैंने सोचा जो लोकल महिलाएं हैं जो अपने पियर जाती है तो बैग में कपड़े डाल के लेके जाती हैं, ये तो बनाते हैं तो ये तो बिकेगा ही बिकेगा। तो हमने सुई धागा लेके बैठ गए और एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर दिया। लेकिन जो बैग की स्टिचिंग शुरू होती है वो स्टिचिंग के लिए मशीन चाहिए थी, मशीन के पैसे हमारे पास में नहीं थे। तो हमने सोचा एक समूह बनाए, 10 महिलाओं का समूह बना के 100-100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उससे हमने ये काम शुरू किया। जब काम शुरू हो गया तो अब 10 महिलाएं हो गई, इतना हमारे पास में काम नहीं था, तो इधर उधर पूछा तो किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है, जो अभी मैं जिनकी प्रेसिडेंट हूँ, जो वही मैं चाह रहा था आपके हम लोग दर्शकों को बताना चाह रहे थे कि कहाँ से कैसे सफ़र शुरू हुआ है और उनसे उनको इंस्पिरेशन। तो मैंने फिर हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे अभी हमारे सेक्रेटरी है विक्रम सिंह जी, उनसे मिले तो उन्होंने हमने बोला कि हमारे 10 महिलाओं का ग्रुप है, हमारा हमें काम चाहिए, हमें काम नहीं है हमारे पास में। तो वो बोले कि यहाँ पे महिलाओं को काम दे रहे हैं लेकिन महिलाएं काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा हम तो करेंगे, उनको विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने हमें सैम्पलिंग दिया। जब हम सैंपल बना के लेके गए तो वो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छे से बना के लेके आए आप। फिर हमें ऑर्डर का काम मिला, तो 3 दिन का काम मिला था, हम 1 दिन में ही पूरा करके लेके गए, क्योंकि पूरी रात बैठ के काम किया था, हमें इतनी खुशी थी जो पहली बार काम मिला था। उसके बाद में धीरे धीरे हम और ऑर्डर मिलने लगे, जब हमने गांव की महिलाओं को जोड़ना शुरू किया, क्योंकि मैं ये अकेली नहीं थी जो मैंने सफ़र शुरू किया था, वैसे कई महिलाएं थी जिनके पास में रोज़गार नहीं था या घर चलाने के लिए भी वो सक्षम नहीं थी। उन महिलाओं को साथ में जोड़ा, जो विधवा महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, गांव-गांव घर घर जाके उन महिलाओं को मोटिवेट किया, उनको बोला कि आप जो काम घर का काम करिए घर में ही रहिए, लेकिन जो भी 2-3 घंटे आपको दिन में टाइम मिलता है उसमें आप काम करिए, इसमें आपको कुछ इनकम होगी। तो कुछ महिलाएं साथ में जुड़ी, किसी ने मना किया, जब वो सक्षम हुई तो और महिलाएं साथ में जुड़ने शुरू हुई। तो ऐसे करके हमने 10 महिलाओं से सफ़र शुरू किया था, आज 22,000+ से है। ये भारत में एक अपने आप में इनका रूमा देव जी का जो जीवन का सफ़र है एक उदाहरण है महिला एवं पुरुष के लिए, क्योंकि महिला एक माता, एक जो जननी बोल रहे हैं। और मैंने वो भी सुना था वहाँ पे उस दिन प्रोग्राम में कि रूमा देवी जी का जो कलेक्शन है जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं राइट साइड में और पीछे में, वो जर्मनी तक गया है, जैसे पेरिस को बोलते हैं एक फैशन के लिए या एक इटली बोलते हैं, तो उसका थोड़ा सा आप बताइएगा। इसी बीच में हमें मौका मिला था जर्मनी जाने का, एक मेल आया था कि हम इंडिया से मात्र एक एनजीओ को सेलेक्ट किया है जिसे फ्री
इस वो देंगे जगह, और आपको, हमें यकीन नहीं हुआ था कि हमें वहाँ से इनविटेशन आया है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर इधर उधर पूछा, जर्मनी, पहली बार देश से बाहर जा रहे हैं वो भी सीधा जर्मनी। तो लोगों ने बोला, किसी ने बोला कि वहाँ पे अपना खाना वाना ही मिलेगा, किसी ने बोला बहुत ठंड पड़ रही है वहाँ पे, बर्फ़ गिर रही है, तो अच्छे से जाना। तो हमने बहुत सारे पहले शॉपिंग की, कपड़े खरीदे, फिर हम आटा वगैरह सब साथ में लेके गए, मसाला वगैरह वहाँ पे घर लिया था, तो खाना बना के खाया, उन लोगों को भी खिलाया, वो भी बहुत खुश हुए थे क्योंकि उन्होंने पहली बार ताज़ी ब्रेड खाई थी। हाँ जी, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम आटा साथ में लेके आ गए आपने ब्रेड बनाई उनके लिए। जी उसके बाद में जब हम वापस आए तो हमने सोचा कि अपन एप्लिक में बेड कवर, कुशन कवर, कर्टन्स ये बना रहे हैं, लेकिन कुछ नवाचार किया जाए। तो हमने फिर कुर्ते, दुपट्टे, साड़ीज़ ये बनाए, जो आप अभी देख रहे हैं हमारा, ये मेरा कलेक्शन है। तो इस तरह की ड्रेसेस बनाई। तो अभी ट्राइब्स इंडिया के 117 स्टोर है इंडिया में, सब जगह आपको रोमा देवी कलेक्शन मिलेगा वहाँ पे। ये तो जो ये पीसेस दिख रहे हैं, ये पूरे सूट है, और ये जो फैब्रिक है ये हैंडलूम का फैब्रिक है। इसके साथ में जो ये एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, ये हमारे ट्राइब्स आर्टिजनों ने की है, और इसको बहुत ही न्यू लुक दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कुर्ते वगैरह, इसी में हमने साड़ीज़ बनाई हैं, टसर सिल्क में, संदेरी सिल्क में, अलग अलग मटेरियल हम सोर्स करते हैं। पहले सिर्फ कॉटन में बनाते थे, लेकिन ये अभी मंगलगिरी हैंडलूम का फैब्रिक है, राजस्थान का है जो राजस्थान का हमारा, अभी कहाँ कर रहे हैं इसको आप लोग? ये राजस्थान बाड़मेर जिले में, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके लोग आए हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। क्या वो महिलाओं को ट्रेनिंग या स्किलिंग करवा रही हैं? उनको एक तो सबसे चैलेंज है जो एक कपड़े का रहता है और डिजाइनिंग का रहता है, स्किल का रहता है। तो उनको हम कपड़ा सोर्स करके देते हैं, उनको कपड़े के बारे में बताते हैं कौन सा कपड़ा यूज करना चाहिए, और डिजाइन बताते हैं उनको कैसे अपन को नई डिजाइन मार्केट में लेके आना है, और फिर उनको स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, जो स्किल अपग्रेडेशन। तो फिर उनको क्वालिटी अच्छी होती है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उनको 40 दिन की या 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उसमें से वो कुछ महिलाएं निकल के आती है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करती है, समूह बना के आगे काम शुरू करती है, आगे करती है। अभी इसमें मेन चीज जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो जितनी भी इनकी आउटलेट्स हैं, तो इसमें जो प्राइस है, जैसे हमारे भारत में काफ़ी स्टेट एम्पोरियम्स रहे हैं और ये लोग के यहाँ पे ट्राइबल, और जैसे आपका कलेक्शन प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें जो प्राइसिंग थोड़ा सा उसके बारे में, आप लोग का जो प्राइस है, क्या एक आम नागरिक उसको खरीद सकता है इन कपड़ों को? हाँ, इतने ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, काफ़ी लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि हर लेवल के आइटम बने हुए हैं। हर लेवल के आइटम जी। अभी आपने जो वस्त्र दिखाया था उसकी क्या कीमत होगी अंदाज़ा? वैसे ये जो कुर्ता बना है इसमें पूरा हैंडलूम का फैब्रिक लगा है, और हैंड स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी किया है पूरा पीछे और आगे, तो इसका अभी प्राइस होगा ये 2120 रुपए का। तो बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा प्राइस है इसका, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, इसमें जितना कारीगरी, जितना काम हुआ है। जो भी कस्टमर खरीदेगा उनको कुछ नहीं करना है, सीधा जाके पहन ले। हाँ जी। नहीं तो स्टिचिंग का अलग से देना है, या कोई अस्तर का कपड़ा लाना है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो ये चीजें खरीदेंगे तो उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये 3 पीसेज है, इसमें कुर्ता भी है, प्लाजो भी है, और दुपट्टा भी है, तो उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये पूरी ड्रेस है, वो शायद कहीं भी जाए पहन के चले जाए। इसकी कीमत ये ओनली मतलब 3400 एक बड़ी मतलब अफोर्डेबल 3 पीसेस का। हाँ जी। और अगर ये बड़े कंपनियों में जाओगे 15-20 हज़ार से कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। और शायद दिल्ली के कुछ मॉलों में 1 लाख रुपए तक की इसकी कीमत होगी, जो कि सिर्फ रोमा देवी कलेक्शन में आप 3415 रुपए का पा रहे हैं। मैंने भी इस अंदर में घूमा हूँ, तो जो प्लेन कुर्तीज हैं वो भी 1100-1200 रुपए से कम नहीं है, जिसमें सलवार शायद नहीं है उसमें। तो ये जो है आपका बहुत उम्दा कलेक्शन है, ये पूरा कॉटन है, पूरा हैंडमेड हाथों से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो ऐसे प्रोडक्ट आप कितने भी पैसे देके खरीदोगे, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। और ये हैंड वॉश घर पे कर सकते हैं? हाँ, हैंड वॉश कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये जो एप्लिक हुआ है, एप्लिक वर्क है, ये एप्लिक वर्क है, एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा लगा के जब ये कटिंग हुई है, तो ये सैनी और हथौड़ी से कटिंग होती है, वैसे कैंसी से कटिंग नहीं होती है। जैसे लकड़ी की नकासी करते हैं ना, वैसे ही कपड़े की नकासी हुई है। उसके बाद में ग्वार का गम होता है, जो पाउडर होता है, उसको घोल के इस कपड़े को पेस्ट करते हैं। ये ऊपर का कैमरिक कॉटन कभी नहीं उतरेगा। हाँ, ये कैमरिक कॉटन है, ये ऑर्गेंडी कॉटन है, इसको दोनों कपड़े को पेस्ट करते हैं।
पेस्ट करने के बाद में जाता है महिलाओं के पास में, जब महिलाएं इनको सुई की नोक से कपड़े को अंदर मोड़ती है, अंदर मोड़ के हाथ से तुरपाई करती है पूरी। जब ये प्रोडक्ट वहाँ से बन के आता है तो इनको 12 घंटा पानी में भिगो के रखते हैं, तब वो ग्वार का गम छूटता है, फ्री होता है ये। उसके बाद में इसको डाई धुलाई तो मतलब वॉशिंग आसानी से घर पे कर सकते। इसमें टाई एंड डाई जो होता है जो राजस्थान का है, तो उसमें डाई कैसे कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा बता दीजिए। ये डाई तो डायरेक्ट डाई है और रिएक्टिव डाई करते हैं जिसमें कलर कम छूटता है, कम छूटेगा। जो डायरेक्ट कलर आपने बताया कि इसको जो महिलाएं सुई से अंदर कर रही हैं, तो एक एक टांका हाथ से लिया हुआ है, हाथ से लिया हुआ है। इसको बनने में 8 दिन लगते हैं, एक कुर्ते बनने में 8 दिन लगते हैं। हाँ जी, तो उसकी कीमत आप लोग, मतलब आप लोगों को मुझे तो लग रहा है कि नहीं मिल रही है अभी, खाली फैब्रिक का ही कीमत भी आप लोग मतलब बनाते हैं वो तो अभी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी जो ट्राइब्स इंडिया जो खरीद रहे हैं, जो आर्टिजनों को सीधा पैसे मिल रहे हैं, तो ये बेटर है, ये बेटर है। और ये आपका यही जो आपने दिखाया है वेयर, ये एक्सपोर्ट हो रहा है सिमिलर? हाँ, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ, बाड़मेर में 1.5 लाख से ऊपर आर्टिजन है ये काम करने वाले, लेकिन जब मैं पहली बार आई थी बाहर तो बाड़मेर के नाम को कोई जानता ही नहीं था। हाँ जी। उसके बाद में हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने बोला कि इतने आर्टिजन है और यहाँ का काम है किसी को पता ही नहीं, ये कहाँ बन रहा है, क्या बिक रहा है, कुछ नहीं मालूम था। फिर हमने सोचा ये फैशन शो भी करना, आज इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में नाम है कि ये बाड़मेर की क्राफ्ट। जैसे आपने बताया कि बाड़मेर शायद मेरे ख्याल से जो तिल पपड़ी और जब उस टाइप से राजस्थान मशहूर था कि प्याज की कचौरी, बाजरे की रोटी, सांगरी की सब्जी, और अभी आपने उसको एक नया वो दिया है आम, जो कि भारत को मेरे ख्याल से आपको भारत सरकार और जो भी संस्थाएं हैं, हम लोग आशा करेंगे कि आपको कोई पुरस्कार जो आप, मुझे भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है, नारी शक्ति अवार्ड। हाँ जी, नहीं नारी शक्ति अवार्ड तो मिल गया, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ जो नेशनल अवार्ड होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि जैसे रितु बैरी जी हैं, जो आप लोग हैं, एक महिला को दूसरे इंस्पिरेशन जो मिलना चाहिए, तो आपको हम लोग इसके थ्रू, मैं अवार्ड का नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सरकारें खुद ही समझ जाएंगी, और उचित समय पे हम लोग आपको दोबारा मिलेंगे उस अवार्ड के साथ। धन्यवाद रूमा देव जी। थैंक यू। जो ट्राइपेड भी हमारा प्रोडक्ट है जको ने भरत रो कॉम बोले, और वो आज दिल्ली के ट्राइफेड के जितने भी शोरूम है बॉन्ग में बिके, और अपने गांव में जगह दोरों के बीच में ढौणियों में महिलाओं रहे बहु बे कॉम किया करे। और वो महिला वास्ते मैं संदेश देना चाहूँगी कि महिला महिला का सपोर्ट करे, सम्मान दे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहें।